जगत जननी माता दुर्गांकर नवम शक्तिर नाम सिद्धिदात्री अटे। यही माता सकल प्रकार सिद्धि प्रदान करि थांती। मार्कंड पुराण अनुसार सिद्धि हेउची 8 प्रकारर, यथा अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वित एवं वस्युत। भक्त साधक मानंकु एही समस्त सिद्धि प्रदान करिबा लागि माता सिद्धिदात्री समर्थ। देवी पुराण अनुसार माँ को कृपा द्वारा भगवान शिव यही समस्त सिद्धि प्राप्ति करथिले। तांकर अनुकंपा द्वारा ही शिवंकर अधा शरीर देवींक परी शरीर हो जाइथिला, सेथिलागी से अर्धनारीश्वर नाम विख्यात। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजा, सिंहवाहिनी और पद्मासना अटंती। से डाहण हस्तरे पद्म, तल हस्तरे शंख धारण करिथांती। नवरात्र पूजार नवम दिवस तांकर उपासना करा जाय थाए। जो माने से विधि विधा अनुसार पूर्ण निष्ठार सहित साधना करती माता कृपारू से सकल सिद्धि प्राप्ति होता है। माता सिद्धिदात्री कृपा पाइबा लगी निरंतर जत्न नेबाकू होता है। समग्र मनुष्य मानकर यह कर्तव्य अटे। माता कृपारू अनंत दुख रूपक संसार रे निर्लिप्त रही सकल सुख भोग करने सहित मनुष्य मोक्ष प्राप्ति होता है। नवदुर्गांग मध्य माता सिद्धिदात्री होउचंती शेष दुर्गा। शास्त्र विधि विधान अनुजाई अन्य अष्ट दुर्गा मानंकर पूजा शेष करी साधक नवम दिवस रे एही मातांकर उपासना निमंते प्रवृत्त होइथांती। सिद्धिदात्री मातांकर उपासना पूर्ण होई जिवा परे भक्त और साधक मानंकर लौकिक पारलौकिक सकल प्रकारर कामना पूर्ण हो जाए। मातांकर कृपा पात्र होई भक्त मानक भितरे आउ एपरी कोनोसी कामना रही जाए नाही जहाँकि से पूर्ण करने चाहती। मातांकर कृपारस अमृत निरंतर पान करने हेतु विषय भोग शून्य हो जाती। माता भगवतींकर परम सानिध्य ही तांकर सर्वस्व होता है। सेहीपरी परम पद को पाइबा परे ताहांकर आउ कोनोसी वस्तुर आवश्यक रही न थाए। मातांकर चरणर एपरी सानिध्य प्राप्ति लगी आमको नियम निष्ठा होई निरंतर तांकर उपासना करबाकू पड़िबो। माता भगवतींकर स्मरण ध्यान और पूजन आमको यही संसार रे असरता बोध कराई देई वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद आड़क नहीं जाई पारिबो।